हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोडेस पर। फ्रेंड, इस वीडियो में आप लोग बताने जा रहा हूँ एक मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। फ्रेंड, यूट्यूब ने अभी अभी दिसंबर लास्ट 2022 में मोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक चेंजिंग किया, जिससे नए यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए फ्रेंड, क्योंकि ये चेंजिंग काफ़ी खराब है फ्रेंड। तो पूरा डिटेल में बताऊँगा कि मोनेटाइजेशन से रिलेटेड यूट्यूब ने क्या चेंज किया है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए उस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप उस चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, जितने भी यूट्यूब में वीडियोज आपका चैनल में रहेगा फ्रेंड, उसमें प्रचार आएगा, उसी से आपका अर्निंग होता है फ्रेंड। तो जैसे ही आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके प्रूफ के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता था फ्रेंड, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। ये पांचों में से किसी एक को आप इस्तेमाल कर सकते थे मोनेटाइजेशन अनेबल में फ्रेंड। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को हटा दिया गया है, इस वजह से आप अब पैन और आधार कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। और बाकी जो तीन बचता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड, ये तीनों आप मोनेटाइजेशन में यूज कर सकते हैं फ्रेंड। नया अपडेट यही है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आप मोनेटाइजेशन अनेबल में नहीं दे सकते फ्रेंड। ये दोनों को यूट्यूब ने हटा दिया है, और क्यों हटाया है इसका रीज़न अभी कुछ भी नहीं बताया यूट्यूब ने फ्रेंड। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं।